तो आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कैट आई फ्रेम्स के बारे में, जो कि हमें एक विनिंग लुक्स की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि एक विनिंग लुक्स का कैट आई फ्रेम है। तो ये गर्ल्स लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसके हम अनबॉक्सिंग और इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी बात करेंगे। इसमें हमें 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करते हैं विनिंग लुक्स वाले, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसके फ्रेम की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की भी बात करेंगे। इसमें हम पावर वाले आई ग्लासेस लगाएंगे जो कि -3.75 में है। तो अब हम कैट आई फ्रेम की अनबॉक्सिंग करेंगे। देख सकते हैं विनिंग लुक सिंस 1995 आपको देखने को मिलेगा बाय डेल मार्शियो आई वेयर प्रोवाइडेड लिमिटेड। तो इस हम कैट आई फ्रेम की बात करेंगे। तो पहले हमें लुक और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इसके कलर देख सकते हैं आप, ये डबल टोन कलर में आपको देखने को मिलता है। ऊपर से आपको मैरून और नीचे के साइड आपको वाइट ट्रांसपेरेंट फ्रेम देखने को मिलता है। इसका टेम्पल भी डबल टोन कलर में है, ब्लैक और मैरून का कॉम्बिनेशन है। बहुत स्लिम डंडी के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसके टेम्पल में आपको स्प्रिंग भी देखने को मिलता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विनिंग लुक्स के फ्रेम की बात करेंगे तो इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। विनिंग लुक्स के सब सारे फ्रेम में आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि फ्रेम में किसी तरह का भी हार्म या फिर ब्रेकेज आपको अगर हो जाता है तो इसे आप क्लेम करके न्यू फ्रेम ले सकते हैं। अब हम विनिंग लुक्स के कैट आई के प्राइस की बात कर लेंगे तो इसमें हमें MRP 1200 का अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप कुछ डिस्काउंट के साथ इसे आप परचेस कर सकते हैं हमारे पास से, या फिर आप इसे विनिंग लुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं www.winninglooks.com पे। तो हम इस विनिंग लुक्स के फ्रेम में -3.75 स्फेरिकल ब्लू कट लेंस को ऐड कर रहे हैं, जो कि 1.6 इंडेक्स का आपको देखने को मिलता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हाई इंडेक्स हमें लेना चाहिए या हमें नॉर्मल ग्लास को ही लेना चाहिए, जो कि हमें थिकनेस पता नहीं चले। तो आप नॉर्मली ब्लू कट में 1.6 इंडेक्स का आप ले सकते हैं, जो कि अप्रॉक्स 500 to 700 के अप्रॉक्स आपको मिल जाता है, जिसमें आपको इस टाइप के फ्रेम में इसका थिकनेस ब्लेंड हो जाता है, आपको कहीं से भी इसका थिकनेस पता नहीं चलेगा। अगर आप मेटेलिक फ्रेम लेते हैं तो उसमें अगर बड़ा साइज है तब आप इंडेक्स ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस टाइप के फ्रेम में आपको हाई इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस लेंस को हम बना के दिखा रहे हैं 1.6, जो नॉर्मल हमारा ब्लू कट लेंस में आता है। तो इसे देख सकते हैं इसमें थिकनेस क्या रहता है। इसे अब हम कटिंग करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, इसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो उसके बाद आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे कि आपको -3.75 तक के पावर को आप इस टाइप के फ्रेम में इजीली लगा सकते हैं। आपको हाई इंडेक्स में एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई नीड नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फिटिंग वर्क कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं कहीं से भी आपको थिकनेस पता नहीं चल रहा है कि -3.75 इसमें लगा हुआ है। अब इसका हम ब्लू लाइट टेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं वाइट सरफेस पे इसका इफेक्ट कर रहा है, बाकी लेंस के अंदर जो कवर्ड पार्ट है टेस्टर का उस पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है, 400 UV प्रोटेक्शन आपको इस ब्लू कट लेंस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि हार्डनेस इसकी अटैच लेवल तक की होती है। बाकी स्क्रैच रेसिस्टेंस भी आपको ये लेंस मिलता है। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।